हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो भाई आज हम बनाने वाले हैं ये टेस्टी से लड्डू, और ये भी बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से, जो कि बहुत से औरतें घी बनाती हैं मलाई से हम लोग घर में, और उसको फेंक देती हैं, जो नीचे का पार्ट बचता है, जो छाछ हमारी जल जाती है, ब्राउन हो जाती है, उसको फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं उसी से बनाऊंगी लड्डू, और मैं अक्सर बना लेती हूँ ये लड्डू, बर्फ़ी, इसका कुछ भी। तो चलिए आज शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैन लिया है, और इसमें ये सारा जो नीचे का पोर्शन है घी का, वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये मैंने आज ही घी बनाया था, और मैंने इसमें थोड़ी सी लौंग डाली थी, दो। तो लौंग डालने से ना घी में स्मेल नहीं होती है, तो ये लौंग मैं अब निकाल दूँगी इसमें से, और थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे पैन में। तो ये ऑलरेडी इसका कलर बहुत अच्छा है, ब्राउन कलर काफ़ी अच्छा कलर है, हमें इसमें कलर देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा गर्म होते ही मैं इसमें डालूँगी एक कप दूध, तो आधा आधा कप करके मैं इसमें ऐड करूँगी, जितना रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप डालना। और इसको थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना है, तो इसको चला देंगे, और देखिए दूध डालने के बाद में ये एकदम से इस फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा, तो दूध की वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा इसके दाने। तो इसको कंटिन्यूस चलाते रहें आप, और ये लड्डू 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत क्विक बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और इन लड्डुओं में हम ना तो हम घी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना घी होता है कि हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो कुछ लोग इस बची हुई खुरचन को फेंक देते हैं वेस्ट समझ के, लेकिन आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से लड्डू बनाना। तो इसको बहुत अच्छे से हम चला लेंगे, आप देख सकते हो कि बॉईल आ गया है काफ़ी अच्छा सा। तो यहाँ पे गैस थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे, क्योंकि हमें इसको रिड्यूस करना है, दूध को गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी चीनी, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और चीनी डालने के बाद में ये थोड़ा सा और ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा, तो फिर से हमें इसको रिड्यूस करना है। तो देखिए ये काफ़ी लिक्विडी हो चुका है, और इसको चलाते चलाते हमें तो रिड्यूस करना है। तो जब इसमें बबल्स आने शुरू हो गए, अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा नारियल का बुरादा। ये मार्केट वाला नारियल का बुरादा है, आप चाहे तो जो गोला आता है सूखा गोला, उसको कस के भी डाल सकते हैं। और नारियल का बुरादा डालते ही ये एकदम से थिक हो जाता है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम से ये थिक हो जाता है। इसको कंटिन्यूस चलाना है, इसमें जो ये हमने नारियल का बुरादा डाला है, इसके लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इसको बहुत स्मूथ सा एक इसका बैटर बन जाएगा, ये आप देख सकते हो। और इसको हमें लगातार चलाते रहना है। और अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, या फिर अपनी पसंद के डालें। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम ऐड किए हैं, आप जो चाहें आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। और इसको आप कंटिन्यूस चलाइए, तो एकदम से ये देखिए थिक होना शुरू हो गया है, और पैन छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। मैंने इसमें बिल्कुल भी घी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना घी होता है, हम चाहे कितना भी छान ले इसको फिर भी। तो इस स्टेज पे मैं गैस बंद कर दूंगी, और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, बिल्कुल ठंडा कर लेंगे इसको गैस से उतार के। तो देखिए पैन छोड़ चुका है ये बिल्कुल। तो इसमें आप इस स्टेज पे चाहे तो आप इसकी बर्फ़ी जमा सकते हैं, चाहे तो इसको हलवे की तरह खा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसके बनाऊंगी लड्डू, तो इसके लिए मैं इसको बिल्कुल ठंडा कर लूँगी। अगर आप बर्फ़ी बनाएं तो आप किसी मोल्ड में चिकनाई लगा के और इसको इस टाइम पे जमा सकते हैं, तो और उसके बाद बर्फ़ी के पीसेस कट कर लीजिए, तो ये उस तरीके से भी बन के तैयार होएगी काफ़ी अच्छे से। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये काफ़ी अच्छे से ठंडा कर लिया है, अभी थोड़ा सा गर्म है, मतलब मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकती, तो इसको और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कम्प्लीट ही ठंडा हो चुका है, और आप मेरे हाथों में देख सकते हैं चिकनाई इसमें कितनी है, और बिल्कुल भी हमने घी का यूज़ नहीं किया है, उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी चिकनाई है। तो देखिए ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, और अब इसको हम बनाएंगे इसके लड्डू।
तो लड्डू आप अपने साइज़ अपने हिसाब से जैसा आप साइज़ चाहें वो उस तरह से बनाएं। मैं छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ और देखिए इस तरीके से मैं हाथ की हेल्प से दबा के, और मेरी हथेली पे देखिए कितना घी है, तो मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बना लूँगी। तो इस तरीके से मैं सारे लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से ये रेसिपी, और आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं इसके सारे अब लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मेरे सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।